मैम खा लिया आपने खाना? हाँ मैंने खा लिया, ले जाओ उसे। मैम खाना कहाँ है आपका? टिफिन वाला खाना नहीं देके गया क्या आज? अरे वो मेरा फ्रेंड ना अपने घर से खाना लेकर आया था, तो मैंने इसी के साथ लंच कर लिया। अरे यार क्या करूँ, आज तो मैम ने भी खाना नहीं छोड़ा, ऊपर से भूख भी बहुत तेज लगी है। माँ का कॉल? हेलो। हाँ माँ तू टेंशन मत ले, मैं भाई के स्कूल की फीस का इंतज़ाम फटाफट कर दूंगी। हाँ माँ मैंने खाना खा लिया, तो टेंशन मत ले, वो ना आज ऑफिस में पार्टी थी ना, तो मैंने भरपेट खाना खा लिया है, अब शाम में कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है मेरी। ठीक है माँ तू आराम कर। क्या करूँ, इन पैसों का कुछ मंगा लूँ क्या? नहीं नहीं एक काम करती हूँ, पानी पी लेती हूँ, वैसे भी एक दिन खाऊंगी नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैम आपने खाना नहीं खाया? नहीं मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी ये खाना मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, तुम इसे खा लो। मेरे लिए? पर मैम ये खाना तो आपका है ना, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले जब मैंने अपना खाना छोड़ दिया था तो वो बचा हुआ खाना तुम खा रही थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैम वो खाना वेस्ट हो जाता इसलिए मैंने खा लिया, पर आइंदा से मैं नहीं खाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि हमारे ऑफिस में पार्टी थी? नहीं मैम मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की। झूठ मत बोलो वैष्णवी, जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से बात करते हुए सुन लिया था। हाँ माँ मैंने खाना खा लिया, तो टेंशन मत ले, वो ना आज ऑफिस में पार्टी थी ना, तो मैंने भरपेट खाना खा लिया है, अब शाम में कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है मेरी। ठीक है माँ तू आराम कर। क्या करूँ, इन पैसों का कुछ मंगा लूँ क्या? नहीं नहीं एक काम करती हूँ, पानी पी लेती हूँ, वैसे भी एक दिन खाऊंगी नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैम वो क्या है कि मेरे घर में ना मैं ही कमाने वाली हूँ, और मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मेरा एक छोटा भाई है जो पढ़ने में ना बहुत होशियार है, तो मैं उसको पढ़ा लिखा के ना एक बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। बस इसी के लिए मैं सेविंग्स करती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा पैसे बचा सकूँ उतना सेव करूँ, इसलिए मैं अपने मम्मी और भाई को ना भरपेट खाना खिलाती हूँ, और आपका जो बचा हुआ खाना होता है वो मैं खा के अपना एक टाइम का खाने का बिल बचा लेती हूँ। मैं तो पढ़ नहीं पाई मैम, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने, और मुझे माफ़ कर देना मैंने आपसे झूठ बोला और आपका बचा हुआ खाना खा लिया। अरे नहीं वैष्णवी तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब तुम अपनी माँ से कॉल पे बात कर रही थी ना तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, और इसीलिए ये खाना मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया। वैसे देखा जाए तो सही मायने में खाने की कीमत तुमने मुझे बताई, और हाँ अब से मेरे लंच के साथ साथ तुम्हारा भी लंच आएगा। अरे नहीं नहीं मैम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं तुम जाओ, और हाँ ये खाना खा लो। और हाँ अब से तुम्हें ऑफिस में ऐसे छुप छुप के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ खाना खा सकती हो। जी मैम।